हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंदमयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम्। तस्य पदे नमाम्यहम्। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनावु। आज मालिका वचन आलोचन में आलोचना करने को जाऊँ। गत अध्याय में आलोचना करूली जो उत्तर रु हिम बहवा बाकी रही समय टी के घटना घटव। महापुरुष आदि संहिता अच्युतानंद महापुरुष तर आदि संहितार कहले शिष्य रामदास आगे कहे बाबू रे बोले कैसा अंके देव ख्यात एक विंशती त्रिजगता एक विंशती त्रिजगता एक विंशती त्रिजगता। बोले बाबू रे एक अंके हेब ख्यात एक विंशति त्रिजगत हिम बहवा बाकी अच्छी हम जहाँकि महापुरुष लिखे बार हाथ दीर्घ बरफ पड़ब पृथ्वी नदी शिव कहीं चतुर्दश दिन द्वार न खोल हेतु रख बार पई एक अंक कही ये अंकटी हे सुधीजानी अनेक समय मास एवं बार तारीख ये कथा मालिकार आलोचना होते कि महापुरुष कहते केतक गुप्त रही था गुप्त रखिबु। हे रामचंद्र केतक कथा को तु गुप्त रखिबु कि आग को निश्चित घटिबो ये कथा आप जानी था। उत्तरे हे बा गोला जात उद्वाबा होई वेदाईता उद्वाबा होई वेदाईता उद्वाबा होई वेदाईता। उत्तरे हेब गोल जात जो उत्तर हिम बहब महापुरुष कहते उत्तरे हेब गोल जात आउ उद्भव होइबे दैत पुणी कहिले जे मीन भा द्रव बसवर्ती माहुरा प्रका शिव खीति माहुरा प्रका शिव खीति माहुरा प्रका शिव खीति। इस समय महापुरुष कहते मीन भाद्रव वशवर्ती भाद्रव मास महापुरुष कहते मीन भाद्रव वशवर्ती से समय ये घटनाटी पृथ्वी में घटव आउ पुणी कहिले जे ए अंते चतुर्विंशांखे कांतारे मरी कथोके कांतारे मरी कथोके कांतारे मरी कथोके। मालिकार नाम है आदि संहिता
आदि संहितार अच्युतानंद कहते शिष्य रामदास बाबू रे आउ ए अंते चतुर्विंश अंके चतुर्विंश कहले के ना चबीश तेणु महापुरुष से समय रे कांतारे मरीबे कथके जानि थांतु खाली पुणी कहले जे आहारा बिना थोके नारा मरीबे होई नारखार मरीबे होई नारखार मरीबे होई नारखार तेणु यही समय रे महापुरुष कहते उत्तर रु चारि दिग जाक अंधार बहब हिम उत्तर रु बह आई समय रे बार हाथ दीर्घ बरफ पड़ब यही समय रे महापुरुष कहते गोप्य हेब सर्व जेते धन द्रव्य दुरु महादशा अच्छी समय रे महापुरुष कहते तप संगे तोपर मध्य संग्राम चल तप सहित तोप कहले आध्यात्म सहित विज्ञान संघर्ष हेब ध्यान देवे कथा उपरे आध्यात्म एवं विज्ञान सहित ये संघर्ष इस समय हेबो गोटे पटे चाहूबे विभिन्न देश गुड़िक परस्पर युद्ध करी परस्पर युद्धर घनघटा घटे परस्पर स्थान को बा परस्पर अंचल को अधिकार करिया अधिकार करिया को बसिले युद्ध तो हेबो गंडगोल हेबो द्वंद्व लागिबो ये समय द्वंद्वर सारा संसार को ये गंडगोल रु ये युद्ध रु विरत रही रक्षा पाइबा सारा संसार ऋषि मुनि माने तप करुथिबे आध्यात्म शक्तिर जागरण करुथिबे बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की पुणी महापुरुष कहते कले बाबू रे आउ कौन घटना घटव ना टल मल हे सप्त दीपा मही बाबो सप्त दीपा मही रे थड़ा कोड़ा रही बजे नहीं बाबो रही बजे नहीं तलमल हो सप्तीपा मही सतटी दीप भितर जम्बुदीप श्रेष्ठ कहते सात समुद्र जल एवं सतटी दीप जहाँकि अनेक सतटी दीपर जो देश गुड़िक सब रही ध्यान देवे कथा उपरे से सतटी दीप टलमल होते उत्तर रु हिम बह आरंभ हेब आउ महापुरुष कहते टलमल हो सप्तीप मही इस समय घटव आउ अन्यान्य पहाड़ माने रसा तले जीव बाबो रसा तले जीव पटे केते नदी बाहीण आसीब बाबो बाहीण आसीब ये सप्त दीप मही पृथ्वी कहले पृथ्वी टलमल हो कितु महापुरुष को जन अन्यान पहाड़ मान सब रसा तले जीव आते सब पहाड़ रही कथा हुए तो केते दूर सत केते मिछ से कथा भविष्य तो ही कहिबो किंतु महापुरुष कहते अन्यान्य पहाड़ गुड़े सब रसा तलु कड़े पलैब आउ चारिपटे केते नदी बहिणा आसीब यदि पहाड़ गुड़िक रसा तलु को जीव जो महापुरुष कहते चारिपट जो गुड़िक सब नदी गुड़िक रही से गुड़िक से नदी गुड़िक सब रास्ता पाई से नदी गुड़िक सब बहे जहाँकि नदीर धारा जो दिगरे जाऊला महापुरुष कहते से दिगरे न जा अन्य दिगरे नदीर धारा प्रवाह मान हेब पुणी कहले कड़े बड़ चणारो छतिया बट पुट जाए बाबो बट कुट जाए बालीचर होई जीव पूर्व सीमा जाए बाबो पूर्व सीमा जाए कौटे जगह ध्यान देवे कथा पर लिखी रखु ये कथा घटवा आगे ये घटना बड़ चणारु छतिया बट पुट जाए छतिया बटर अच्छा किए ना हरिदास समाधिपीठ से हरिदास गादी जो रही छतिया बट सारा संसार आप बोलिए
এই নাঁরে অন্য কোণী গাঁ প্রায়ত না সারা পৃথিবী আপনার দেখবে তেমন এ ছতিয়া যে হরিদাসঙ্কর সমাধিপীঠ সে রয়েছে বটবৃক্ষ ছতিয়া বট নেমাল বট মণি বট রত্ন বট উদয় বট তেণু সেই যে ছতিয়া বট যাকে মহাপুরুষ অচ্যুত কুচি যে বড় চণাটার সেই ছতিয়া বট যাকে বালিচর হয়ে যাব যেতবে উত্তর দিগর হিম বহিবা আরম্ভ হব তেমন আগুক তেমন মহাপুরুষ কহিলে বালিচর কেউ যাকে হয়ে যাব না পূর্ব সীমা যায় পূর্ব সীমা যে ভবিষ্যতের এইটা হব সেই কথা আমি আলোচনা করুছি বড় চণার ছতিয়া বটপুট যায় বালিচর হয়ে যাব পূর্ব সীমা যায় চকড়া মডাণের পুঁ অচ্যুত কহিলে ধূমময় হেব এ মহি মন্ডাল পাপ হইব প্রবল আদ্য কড়ি গোড় উত্তর দিগর মরিবে মেলা ছাপলা মরিবে মেলা ছাপলা হে সুজানে মরিবে মেলা ছাপলা মরিবে মেলা ছাপলা হে সুজানে মরিবে মেলা ছাপলা জ্ঞানী গুণী মণ্ডলী শুদ্ধি জনে আমি আলোচনা করুলে যে সে বড়চণাটি হচ্ছে গোটে সে বড়চণা ছকটি অছি গাঁ মধ্যে নিকটরে অছি কিন্তু মহাপুরুষ চকড়া মডাণ সেই কথা কহিলে সেতবে ধূমময় হব এ মহি মণ্ডল ইয়ে পৃথিবী আপন ধূমময় হয়ে যাব সহর বজার গুড়িক ধূমময় হয়ে যাব প্রদূষিত হয়ে যাব সেইপি তো আপনার দেখুবে না অনেক সাইন্টিস্ট মানে মত দৌঁতি যে সপ্তাহের গোটিয়ে দিন আপনার গাড়ি চলাইবা বন্ধ করে দিও তেণু ইয়ে ধূমময় আগুকু সংসার মহিমণ্ডল হব প্রাপ প্রবল যোগু যে ইয়ে কথা সাধারণ লোক বুঝিপারিবে না বলি এ মহাপুরুষ অচ্যুতানন্দ জি কি আউ ধূমময় হলে আদ্য কড়ি গোড়া উত্তর দিগর মরিবে মেলা ছাপলা আগে কলিগোড়টা উত্তর দিগুরু আরম্ভ হব সেইপি মালিকার লেখা যায়নি উত্তরে সাজিব দক্ষিণে গাজিব পূর্বে ন রহবে কে তেমন সেইপি আদ্য কলিগোড়টা উত্তর দিগুরু হি সবলে আসব উত্তর হিম বহিব উত্তরের গণ্ডগোল হব সেই উত্তর দিগুরু হি বিভিন্ন প্রকার সমস্যা প্রথমে ইয়ে দেখা দেব তেমন মহাপুরুষ সেইপি চকড়া মডাণ কহিলে উত্তরু হে মাড বহিব প্রবল ওড়াই প্রহর জান ওড়াই প্রহর জান হে সুজনে ওড়াই প্রহর জান অনেক কহতি এই যে হিমটা বহিব বরপতর বি কেতে সময় কোন এমতি বর্ষে খন্ডে হব এমতি পাঁচ বর্ষ হব না মাসে হব না পনেরো দিন হব কেতে দিন হব সে কথা মালিকার মহাপুরুষ লিখিদেলে কেতে সময় উত্তর হিম বহিবা বহিব মহাপুরুষ কেতে কেতে সময় চকড়া মডাণে কহিলে উত্তরু হেমাল বহিব প্রবল ওড়াই প্রহর জাণ অতীতরে সে সময় লা যেতবে হিসাব অলগা লা এইগুলা সিনা কেজি অছি এইগুলা সিনা লিটরে আমি হিসাব করুছে এইগুলা সময় ঘণ্টার আমি দেখুছে এতিকি সময় এতিকি মিনিট এতিকি সেকেন্ড এতিকি ঘণ্টা অতীতরে লা প্রহর তেমন গোটে রাতিক চারি প্রহর তেমন চারি প্রহরের মহাপুরুষ কুচি যে উত্তর যে হিম বহিব তাহলে সে কেতে সময় বহিব না অঢ়েই প্রহর বহিব তেণু অঢ়েই প্রহর জাণ আদ্য হিম গাতে থোকে হেবে কলবল পাপিঙ্কু হেব মরণ উত্তপাত হেব উত্তর দিগর লুণাপুর দিগর উনবিংশ শেষ বিংশ পরকাশ অনন্ত যুগ এঠারু অনন্ত যুগ এঠারু হে সুজনে অনন্ত যুগ এঠারু অনন্ত যুগ এঠারু হে সুজনে অনন্ত যুগ এঠারু সেইপি পুনি সেই কথা কহিলে কলে উত্তপাত হেব উত্তর দিগর লুণা পূর্ব দিগর লেখিকি রখিথান্তু এ কথা
उत्तर पूर्वरु हिम बहिब ना उत्तर रु ही हिम आसव उत्तर हिम गिरी अच्छी तेणु पूर्व रूप जदि किसी हम तेल से लुणा ही केवल मारी आस अर्थात समुद्र मारे तेणु केत महापुरुष कह ऊनविंश शेष ऊनविंश कहले उणेश तेणु उणेश मसीहा शेष विंश परकाश विंश रु आग को आप देखिए विंश परकाश अनंत युग एठार अनंत युगटा जो विंश ठार आरंभ हो विंशरे मसीहा होइबो शेष अनंत केशरी महापुरुष कही समय आसीबो अनंत केशरी बलदेव समय तेणु ये विंश मसीहा शेष है ऊनविंश शेष विंश परकाश विंश प्रकाश हेबो या परे महापुरुष कहते जे बाबूरे अनंत युग एठार अर्थात अनंत युग एठार आरंभ हेबो अर्थात युग कहले आम जानी कईटा ना चारिटा सत्य त्रेतया द्वापर कली चारिटा युग किंतु मालिकार प्रमाण अनुसार मालिकार सिद्धांत अनुसार मालिकार पर्यालोचना अनुसार मालिका को जदि तात्विक दृष्टि देखा तेल से लिखा जाए युग रही जो युगर नाम हूँ अनंत युग जै अनंत युगर अनंत लीला खेला हे तेरु महापुरुष से कहले केत ना ऊनविंश शेष हो जाइ विंश परकाश विंश आरंभ हो जाइर अनंत युगटे आरंभ हे ताकू उत्तर हिम बह पुणी कहले एक त्रिंश दशाशने घोष सर्वे बोला हरि हरि हय न रहिब पृथ्वी नाश जीव लीला हेब भारी भारी लीला हेब भारी भारी हे सुजने लीला हेब भारी भारी लीला हेब भारी भारी हे सुजने लीला हेब भारी भारी एक त्रिय त्रिंश मालिकार नाम है चकड़ा मड़ाण लिखिले शिशु अनंत शिष्य बारंग आगे कहते एक त्रिय कहले तेर एक त्रिय त्रिंश दशासने घोष सर्वे बोल हरि आपको हिसाब करी एक त्रिय कहले तेर त्रिंश कहले तीस आशासने घोष तर दस मिसेबि सर्वे बोल हरिहरि जहा हम ये समय समस्त हरिशरण को आस समते भगवत शरण को आस आउ क्षय न रहीब पृथ्वी नाश जीव उत्तर हिम बहिले लीला हेब भारी भारी ये समय ये होची कल्कि लीलार समय बा अनंतंकर लीला खेलार समय पुणी महापुरुष से अमर जुमर मालिकार नाम है अमर जुमर संहिता इतने लिखिले महापुरुष अच्युतानंद कौन कहले कहले जे काले कली से देश हे हाड़ मे देश हे हाड़ मे देश हे मालिकार नाम है अमर जुमर संहिता कहले बाबूरे जे काले कोड़ी शेष हेब हाड़ मे देश हेब कोड़ी शेष समय रे इबड़ी तो सबुर शेष समय रे या हुई मैं अतीत आलोचना करीजे सबुर शेष बेले या ही अति लेंबू चिपुड़े पिता कहते अति की लेंबू को जदि जिते चिपुड़ बेसी चिपुड़ सी पिता लगे तेनाली जार शेष समय शेष पर्यंत आप देखिए शेष बेले सब जिनस कौन ना जोर जोर हुई तेणु ये कली शेष बेले हाड़ माड़ जे देश हे आउ कले हिमरे ठोके ना सजीवे पाख दे सरे जेते थीवे पाख दे सरे जेते थीवे पाख दे सरे जेते थीवे तेणु से हिमरे थोके नाश जीवे पाख देश जेते थीवे तेणु रे कलिहत मानिस रे कलिहत मानव ये भक्तगण तुम्हें से ही सर्वे बोल हरि हरि से हरि शरण को तुम्हें आस विपद थिले मध्य भक्त थिबा जगह पहाड़ हो चारिपटे जल चली ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी आत समय ना बाणी की विराम दवा कितु से विराम दवा पूर्व जन भक्तर ना कहवा
किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म कहले हनुमान चेश्वर थापरे रहिले जेणु प्रभु पीत वास जेणु प्रभु पीत वास हे सुजने जेणु प्रभु पीत वास सेठारे आसीन रहिब भकत नाम हे जोगी दास सुना सुजने गुणी बेड़ काल आसी लानी हे सुन सुजने गुणी हनुमंचेश्वर ठाबरे रहिले जेणु प्रभु पीतवास सेठारे आसीन रहिब भकत भक्त रहिब माने जन्म हब कि ना नाम हेब जोगी दास नामर जन भक्त हनुमंचेश्वर ठाबरे जन्म हेबे बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकारे लिखिले ना लिखि रखंतु आपण ठाब करिबे सुधियाने ज्ञानी गुणी मंडळी आज तो समय हेइछि बाणीकी विराम देबा प्रभुंकर नाम नै जगन्नाथ 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 पाहिवा जगन्नाथ 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 रखियामा जगन्नाथ 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 पाहिवा जगन्नाथ 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 रखियामा महाबाहु महाबाहु पाहिवा महाबाहु 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 रखियामा महाबाहु 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 पाहिवा महाबाहु 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 रक्षमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय सुधियानी ज्ञानी गुणी मंडली आज विदाय दिंतु पुणि आसंदा अध्याय भेट हवा रहुचु हरिओं शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति भवतु प्रार्थना आमो आनंदर उत्स।